पूर्णिया के बासी थाना क्षेत्र अंतर्गत मझुआ कांड इन दिनों काफी चर्चा में है और यही वजह है कि उन जगहों का लगातार जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आलाधिकारी भी दौरा कर रहे हैं और जो भी पीड़ित लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति जताने के साथ साथ उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा भी दिया जा रहा है। उसी कड़ी में पूर्णिया के डीएम राहुल कुमार एवं पूर्णिया के एसपी दयाशंकर ने भी मझुआ पहुंचकर लोगों की बातों को सुना और उन्हें हर संभव मदद देने के साथ साथ न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इस दरमियान पूर्णिया डीएम ने अतिक्रमण हटाकर जल्द से जल्द सभी परिवारों को इंदिरा आवास दिलाने की बातें भी कही। बताया गया कि अग्निकांड में जले 13 घर में से 8 घरों के परिवार को पहले से ही इंदिरा आवास मिला था और बाकी परिवार को पुनः इंदिरा आवास दिया जाएगा और इसके अलावा अन्य विवाहित परिवार को भी कुल मिलाकर 22 परिवारों को इंदिरा आवास और जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि भी उपलब्ध कराने के साथ साथ इंदिरा आवास का लाभ दिया जाएगा। 19 तारीख की रात्रि में यहाँ आगजनी की गई थी, इसमें 13 घरों में आग लगाई गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई थी उसमें। तो तुरंत गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी इस कांड में हुई है और जो प्रशासनिक स्तर पे राहत और मुआवजा का कार्य है वो नेक्स्ट डे से ही शुरू किया गया था। यहाँ पे कम्युनिटी किचन भी शुरू किया गया था एंड जो SC ST एट्रोसिटी एक्ट है उसके तहत सभी 13 परिवारों को 2 लाख रुपये प्रति परिवार की दर से जो 25% प्रथम किस्त के रूप में दिया जाना चाहिए वो दिया गया है और एक जो मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को 8.25 लाख का 50% वो उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही जो चूँकि अग्निकांड से पीड़ित थे तो तत्काल उन्हें टेंट, पॉलीथीन शीट्स ये सब भी उपलब्ध कराए गए हैं। 9800 रुपीज़ प्रति परिवार जो क्षति हुई है बर्तन कपड़ों की उसको भी दिया गया है। लगातार फोर्स मजिस्ट्रेट वीडियोग्राफर सब यहाँ कैंप कर रहे हैं ताकि इस पूरे घटनाक्रम को कोई और रूप नहीं दिया जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 46 परिवारों को पहले 2010-11 में ज़मीन उपलब्ध कराई गई थी सरकार के द्वारा, अभी परिवारों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है शादी वगैरह के बाद, तो ऐसे 17 परिवारों चिन्हित किए गए हैं जिनको हम लोग ज़मीन बंदोबस्त करने जा रहे हैं अभी तुरंत। कम्प्लीटली ये लैंड डिस्प्यूट है और जैसा आप देख सकते हैं कि जो पीड़ित पक्ष है जो आरोपी पक्ष है दोनों स्थानीय हैं और सड़क के दोनों किनारे ये बसे हुए हैं और वर्षों से बसे चले आ रहे हैं, तो ये आपस की लड़ाई है जो भू विवाद के रूप में ही लैंड डिस्प्यूट के रूप में ही इसका नेचर है।